नमस्कार दोस्तों, एक हसीन सुबह के साथ आप देख रहे हैं राजीव इंटरनेशनल ट्रैवलर। मैं आपका दोस्त, मैं आपका भाई राजीव यादव। अगर मेरे चैनल पे कुछ भी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं कंपनी आया हूँ, क्योंकि मैं गाँव चला गया था, इस वजह से कंपनी नहीं आ पा रहा था। और आज मैं और मेरा दोस्त थोड़ा घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं और ड्यूटी से हम निकल गए हैं कंपनी से। और मैं सोच रहा हूँ आज हरी के यहाँ घूमने के लिए जाऊँगा उधर। तो काफ़ी दिनों से हम दोनों दोस्त एक पास बैठे नहीं थे, तो आज हम लोगों की विचारधारा बनी कि हम लोगों को घूमना भी चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपस में एक दूसरे का प्रेम बढ़ता है और ये हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र है। हर समय 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 पर मुझे लगातार फ़ोन करता रहा और मेरी माता जी का हाल चाल भी पूछता रहा, और हम लोगों में काफ़ी दोनों में प्रेम है, तो हर समय एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और कभी मैं किसी काम के लिए बोलूं तो मना नहीं करता, क्योंकि इसका और मेरा व्यक्तिगत जो है काफ़ी अच्छा संबंध है हम दोनों का। और ईश्वर ऐसे लोगों का जीवन में हमेशा भला करता है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि सामने बात करते हैं कुछ और पीछे करते हैं कुछ और, मगर ये इस तरह की इसके अंदर इस तरह की भावना नहीं है। और ये देखिए हम लोग बस निकल गए हैं और मुश्किल से 20 मिनट लगेगा करीब, क्योंकि अगर जाम मिला तो टाइम थोड़ा लगेगा। और हम लोग देखिए गाड़ी में बैठे हुए हैं और मेन गाड़ी चलाने के सूत्रधार यही हैं हरी, और काफ़ी हंसमुख आदमी है, हमेशा जो है लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। और जीवन में ऐसे दोस्त बड़े सौभाग्य से मिलते हैं, और ऐसा जीवन में अगर दोस्त हो तो हर समय एक पिलर के तरह और एक दीवार की तरह खड़ा रहेगा, जो हर मुसीबत आने से पहले अपने ऊपर लेने की कोशिश करेगा। हो सकता है हम लोगों की विचारधाराएं आपस में ना मैच करती हों, मगर हम लोगों का जो प्रेम है वो अनोखा है। और काफ़ी समय से हम लोगों की मुलाकात नहीं हुई थी, करीब एक महीने से। तो हरी ने कहा नहीं आज चलना है घूमने के लिए, और ये हरी की गाड़ी है, अभी नई खरीदी हरी ने। तो हमने कहा चलो इसी बहाने घूम भी लेंगे और थोड़ा सा पार्टी भी हो जाएगी, उससे हम लोगों का जो एक महीने से बीच में जो बातचीत नहीं हो पाई थी सही, माता जी के तबीयत खराब होने की वजह से मैं भी थोड़ा सा मेंटली परेशान था। तो आपस में एक दूसरे से बात करने से दुख कम होते हैं, और अभी तो हमारी माता जी फिलहाल ठीक है, मगर बहुत तो ठीक नहीं कह सकते उनको। तो आज मैं हरी के यहाँ जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पार्टी वार्टी भी कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से एक पास हम लोग बैठे नहीं हैं। तो देखिए कैसे क्या विचारधारा बनती है। और हम ये हरी के फार्म हाउस पहुँचने वाले हैं, ये रास्ता थोड़ा सा कच्चा है क्योंकि यहाँ थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं वापसी कर दिया मैंने, क्योंकि मैं वहाँ रात में थोड़ा सा वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि आपस का हम लोगों का संबंध था, तो मैं नहीं चाहता कि वो आप लोगों को हम लोगों के बीच के जो है आप लोगों को मैं दिखाऊं। और मैं धीरे धीरे अपने घर पहुँचने वाला हूँ, और अभी थोड़ा सा रोड का काम चल रहा है, लगभग अभी मुझे लगता है कि एक वर्ष का समय और लगेगा। और ये हमारे यहाँ की सब्जी मंडी है जो रोडों पर लगती है, तो मुझे थोड़ा सा सब्जी वब्जी खरीदना है, या नहीं होगा तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे चल के अपने घर के पास से मैं सब्जी खरीदूंगा। तो यही हमारी सब विचारधाराएं हैं, और आपको मैं जो हो सका अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया। और आप लोगों से निवेदन मेरा हमेशा रहता है, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना मेरा मैं संभव नहीं हूँ। आज मैं जहाँ भी हूँ आप लोगों की बदौलत हूँ, तो
यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे मेरे चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं हमेशा वीडियो डालता रहता हूँ और अभी थोड़ा सा मैं घर से आया, उस वजह से नहीं डाल पा रहा हूँ। आप लोगों को मेरी लगातार वीडियो मिलेगी। अगर मेरे वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो राधे।